योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मोहन यादव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण और जयराम बोलना पड़ेगा तभी इस देश में रहना होगा। इस तरह के बयानों की जरूरत आपकी पार्टी के एनडीए गठबंधन के नेताओं को क्यों पड़ रही है, चिराग को ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे ये शायद शब्दों पर अगर किसी को एतराज हो, पर सोच पर तो किसी को एतराज नहीं हो सकता ना। आपकी एकजुटता ही आपकी ताकत है। क्या हम बांग्लादेश से अपने को कंपेयर कर रहे हैं? ये हमारा अपमान नहीं है? हम बांग्लादेश कभी नहीं हो सकते। मैं ये मानता हूं कि कुछ ऐसे दल हैं जो बांटने की राजनीति को बल देना चाहते हैं। कई ऐसे दल हैं जो चाहते हैं कि खुल के बोलिए ना, कौन से दल हैं? कांग्रेस जैसी पार्टियां, इंडिया अलायंस जैसे दल, क्या ये लोग बांटने की राजनीति को साधा नहीं करना चाहते? क्या आप नहीं बांट रहे हिंदू और मुसलमान में? क्या आप नहीं बांट रहे हैं? मेरी सरकार जब सबका साथ सबके विकास की बात करती है, इसमें कौन बांटना चाह रहा है हिंदू मुसलमान में, बताइए मुझे। आज की तारीख में फिर वही एक क्लीशे साउंड करेगा, बट उस क्लीशे को मैं चाहता हूं कि हर दिमाग में वो छप जाए। आज की तारीख में मुझे बताइए ना, कौन सी ऐसी योजना है जो मेरी सरकार ने हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग बनाई हो? उज्ज्वला जैसी योजना जहाँ पे हम लोग गैस सिलेंडर दे रहे हैं, कौन सी मुस्लिम महिलाओं को छाट के दिया गया? नहीं है आपके मंत्रिमंडल में कोई ऐसी योजना नहीं है जिसको धर्म के आधार पर बनाया गया। मेरे प्रधानमंत्री डे वन से मैंने शुरू में ही कहा कि जब 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, आज 140 करोड़। मुझे समय की बड़ी पाबंदी है। कंगना जी के साथ आपकी हमने एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री संसद में देखी है, पर कंगना जी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा साबित हो रही है। बीजेपी को अभी उनके एक स्टेटमेंट पे क्षमा मांगनी पड़ी है, क्या कहेंगे चिराग पासवान? देखिए, कंगना मेरी पुरानी मित्र हैं और मैं मानता हूं कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग हेडेड लेडी। वो अपनी सोच रखती हैं और उसको जाहिर करने से कभी वो हिचकिचाती नहीं है। आप उसकी सोच से सहमत असहमत ज़रूर हो सकते हैं, बट हाँ, आज की तारीख में जब वो राजनीति में हैं तो पॉलिटिकल लाइंस लेने में से पहले मुझे लगता है उनको ज़रूर सोचना चाहिए, बट मैं इसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है। मेरे और मेरे प्रधानमंत्री जी के बीच में दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। जो लोग इन बातों को देखकर हमेशा बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे, हमेशा आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। मैंने बिल्कुल इस बात को मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री के साथ दुनिया की कोई ताकत, मेरा कारण ही इस गठबंधन में आना मेरे प्रधानमंत्री थे, और जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं दुनिया की कोई ताकत कम से कम इस गठबंधन को तो नहीं तोड़ सकती। और जो लोग इस बात को लेकर खुशी मनाते हैं ना, मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत देखता हूँ, एंड नेशनल चैनल्स तो फिर भी थोड़ा कम, मैं रीजनल कई ऐसे चैनल देखता हूँ जो रोज़ मोदी के हनुमान हुए अलग, मोदी के हनुमान ने किया अपने ही उनके खिलाफ रण का आगाज, दुनिया भर की हेडलाइंस में रोज सुबह, अभी भी सुबह उठ के मैं यही देखता आ रहा हूँ। इस बात को आप ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए, इन 5 साल क्या अगले 5 साल भी एनडीए की इस सरकार और एनडीए के हमारे गठबंधन को दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती, ये मैं दावे के साथ। देखिए, बहुत बड़ी खबर यहाँ पर चिराग पासवान ने दी है, और चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक उनकी राजनीति रहेगी तब तक वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। ये चिराग, मेरा भी करियर अभी बहुत लंबा है, कई इंटरव्यू में आपसे साथ करूंगी। अब मैं देखिए, यूपी में चाचा भतीजा एक हो गए हैं, क्या बिहार के चाचा भतीजा एक होंगे? आपके चाचा की तो मैं बात कर ही रही हूँ, साथ में मैं तेजस्वी के चाचा के साथ भी क्या आप कभी एक होंगे? मैं नीतीश कुमार जी का भी जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे। नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ आज की तारीख में गठबंधन में हम लोग हैं ही, और ये एक खूबसूरत गठबंधन आज की तारीख में चल रहा है। इस बात से मैं संकोच नहीं करूंगा कि मेरे कंसर्न्स थे, मेरे मुख्यमंत्री जी की नीतियों को लेकर कुछ बातें थी जो जिस बात को मैंने सार्वजनिक मंच पर भी उठाया, पर आज की तारीख में मेरे पास गठबंधन के भीतर वो मंच है जहां पे इन बातों को लेकर हम लोग चर्चा कर सकते हैं जब आप एक ही गठबंधन का हिस्सा होते हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में बिहार हो या केंद्र हो, ये बहुत खूबसूरत गठबंधन इन तमाम दलों का, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, मेरी पार्टी भी है, साथ ही में उपेंद्र जी की भी पार्टी है, माझी जी की भी पार्टी है, और ये खूबसूरत गठबंधन चल रहा है जिसका लाभ इस बार हम लोगों ने लोकसभा के परिणामों में देखा ही। बिहार में जहां एक अच्छा प्रदर्शन हमारे गठबंधन ने किया, और मैं मानता हूं कि अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों का गठबंधन ना सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन करेगा बल्कि सरकार भी हम लोग बनाएंगे। मैं क्या ये मानूं कि चिराग जी के मन में किसी कोने में विवाह के बाद बिहार का मुख्यमंत्री बनने का भी सपना है? क्या विवाह का सपना तो होगा ही हर युवा के दिल में होता है, बिल्कुल। उससे पहले क्या मुख्यमंत्री पद बिहार का वो सपना है, देखते हैं चिराग पासवान? क्या देखते हैं कि इतनी सीटों की संख्या लेकर आएंगे चिराग पासवान की एक बार वो पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाएंगे? देखिए, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपने राज्य को एक विकसित राज्य
बनाने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा राजनीति में आने का भी सबसे बड़ा कारण यही रहा कि मैं बिहार को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं, आप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? मैं बिहार को विकसित राज्य मैं बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहता हूं, भले वो मैं बनाऊं या मेरी जगह कोई भी और उस पद पर बैठकर उन नीतियों को लागू करे जो बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाती है, मैं उसका समर्थन करता हूं।